हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा, विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम कृतिका में चैप्टर सेकंड रीढ़ की हड्डी क्लास 9th में पढ़ते हैं। ओके, यस। देखिए बेटा, चैप्टर है रीढ़ की हड्डी। यस, इस पाठ में शिक्षा के विषय बताया गया है बेटा। यस, देखिए, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर? बस बस, बिछा दूं साहब, और क्या करेगा। परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था। बिछा दूं साहब, और वह यह पसीना किस लिए बहाया है? हंसता क्यों है? अबे, हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह सख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर। यो हाँ बस, और सुन, बहूजी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए, चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। बाबू साहब, यस देखिए, हाँ प्रेमा, अब पत्नी से क्या कहता है वो। यस देखिए, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन कौन है? नौकर। रामस्वरूप, क्यों रे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, यह पड़ी तो है। यस। रामस्वरूप, और बीबी जी के कमरे में हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जल्दी जा। प्रेमा, लेकिन ये तुम्हारी लाडली बेटी तो मुँह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुँह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। वो माँ को लड़के देखने वाले आ रहे हैं। ओके, यस। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूँ, सारे जतन करके तो हार गई, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं, अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर हो रही है उन लोगों के आने में, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है, यानी मेकअप करके। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, उस पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुँह लपेट कर लेट गई, भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो। रामस्वरूप, चुप चुप,
तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं। कल ही यह बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या करोगी। प्रेमा: अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप: तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। प्रेमा: नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है, टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया नहीं। रामस्वरूप: क्या हुआ, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे यानी वो नहीं आया। प्रेमा: यहाँ का काम कौन ज़्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले लाना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा? दो आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप: हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुषी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा: और लड़का? रामस्वरूप: बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है, लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, यानी पढ़ाई लिखाई का सवाल दूसरा है। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है अपना, इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन: यस बाबूजी, बाबूजी। रामस्वरूप: क्या है रतन? कोई आते हैं। रामस्वरूप: अरे प्रेमा, वे आ गए। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया, अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। प्रेमा: ओह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कमबख्त। रामस्वरूप: तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। रामस्वरूप: हैं, हंसता है वो, उन्हें देखकर जो लोग आए हुए हैं। रामस्वरूप: हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। रामस्वरूप: यह बैत लाइए, मुझे दीजिए, मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? यस नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप: यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद: अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यों कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप: यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हाँ हाँ सेवक ही हैं। शंकर जी: कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया हूँ। रामस्वरूप: आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी: यही कोई 2 साल। रामस्वरूप: साल 2 साल? शंकर जी: 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद: बात यह है कि साहब, कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारी सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी ही भूख। रामस्वरूप: कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थीं। गोपाल प्रसाद: जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले, और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूलों में,
तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल के कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। रामस्वरूप: जी हाँ जी हाँ, यह उस जमाने की बात है, दूसरी थी। गोपाल प्रसाद: और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे? जनाब मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए की मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप: जी हाँ यह तो है। गोपाल प्रसाद: माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप: हाँ यह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। गोपाल प्रसाद: अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप: ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद: यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ यानी फॉर्मेलिटी। रामस्वरूप: हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? यह मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। गोपाल प्रसाद: आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर: जी। गोपाल प्रसाद: क्यों क्या हुआ? शंकर: कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद: झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधे करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। गोपाल प्रसाद: आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप: आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद: नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भई यह नया फैशन पसंद नहीं, एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका यानी स्वाद क्या रहेगा। रामस्वरूप: हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। शंकर: सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद: हम सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप: वह क्या? गोपाल प्रसाद: खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूँ भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप: वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल एक खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। गोपाल प्रसाद: लीजिए। गोपाल प्रसाद: नहीं साहब कभी नहीं। रामस्वरूप: आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर: किस मामले में? रामस्वरूप: यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद: यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? रामस्वरूप: जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद: देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो गई तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप: हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद: और जायचा तो मिल ही गया होगा? जायचा यानी कुंडली, जन्म पत्री। रामस्वरूप: जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद: यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। रामस्वरूप: क्या? गोपाल प्रसाद: यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर: जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप: नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद: और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए पढ़ाया है
तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट होनी चाहिए। भला पूछे इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के, नहीं राम स्वरूप जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। गोपाल प्रसाद हाँ हाँ यह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीज़ों में एक है। राम स्वरूप चाय और लीजिए शंकर, धन्यवाद, पी चुका राम स्वरूप। आप यस बेटा, जो नेक्स्ट पार्ट इसका बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके सो बाय बेटा।